सड़क के लोग क्या सोचते हैं संसद की कार्यवाही के बारे में, उनसे पूछते हैं। आपका नाम? रमेश गाजरानी। रमेश जी, संसद की कार्यवाही लगातार पांचवे दिन हंगामे की भेंट चढ़ गई है, कैसे देखते हो आप? आज विरोधी दल को और सत्ता दल को दोनों को बहाना चाहिए कि कार्यवाही कैसे स्थगित की जाए। अभी इस समय सत्ता पक्ष जो है चाहता ही है कि हंगामा होता रहे, और जो राहुल गांधी ने जो बोला है विदेश में उसके हम सख्त खिलाफ है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसको। और जो भी अगर बीजेपी वाले बोल रहे हैं तो उसको माफी मांगना चाहिए हमारी राय में। जो उसने देश की बुराई किया है वहां पर, अपने देश में आप कुछ भी बोलिए, जो राहुल गांधी ने बोला है लंदन में जाकर के बहुत गलत बोला है। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री भी ऐसा बोलते थे मोदी पहले। प्रधानमंत्री कभी नहीं बोले हैं, ये आपने आज तक नहीं सुना है कभी। गलत बोल रहे हैं। तो कांग्रेस कह रही है कि माफी नहीं मांगेंगे राहुल गांधी, और कांग्रेस के लोग सरकार से मांग करके अडानी मसले पे जांच हो। देखिए, अडानी मसला अलग है, आप उसको कोर्ट में जाइए उसके लिए, संसद में हल्ला करने से क्या फायदा। अगर उसने कुछ गलत किया है अडानी ने, तो उसके लिए आप कोर्ट में जाइए, उसमें संसद में क्या होगा? उसमें कुछ नहीं होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। कानूनी कार्रवाई करिए आप उनके ऊपर, आप उनके ऊपर केस करिए। लेकिन आपने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चाहता है कि सदन न चले, क्यों भाई? इसलिए कि वो अगर ये नहीं करेंगे तो वो अडानी का मुद्दा ज्यादा उठाएंगे, और वो नहीं चाहते कि अडानी का मुद्दा संसद में उठे। इसलिए ये बीजेपी वाले भी चाहते हैं, सत्ता पक्ष चाहता है कि बवाल होता रहे। लेकिन आप लोग को नहीं लगता कि जनता का पैसा बर्बाद होता है चर्चा के लिए? सालों से हो रहा, आज नहीं हो रहा, ये सालों से हो रहा, जब से हम देख रहे हैं, हमारी 72 साल उम्र है, हम जब से देख रहे हैं, जो सत्ता में होता है उसको परेशान करने के लिए विरोधी यही करते रहते हैं। आपका नाम? विनोद गाजरानी। विनोद जी, संसद में हंगामा लगातार हो रहा है, देख ही रहे हैं, कैसा लगता है? जनता का पैसा भी इस्तेमाल होता है? जनता का पैसा तो बर्बाद हो ही रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष को, दोनों को इस चीज में समंजसता बनानी पड़ेगी। कि सबसे पहले अहम ये देखना होगा कि जो देश की जनता का पैसा है उसका सदुपयोग हो। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को ये समझना पड़ेगा कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे उस चीज के लिए। राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि जेपीसी जांच हो अडानी पर। अडानी पर जेपीसी जांच के लिए सहमति दे सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, पर वो सबसे अहम मुद्दा देश का जो पहला बनता है, राहुल गांधी ने जो विदेश में जाकर बोला है वो उनको नहीं बोलना चाहिए था। इतने बड़े और इतने प्रतिष्ठित परिवार के होते हुए शोभा नहीं देता उनको। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कुछ गलत नहीं बोला, कांग्रेस कहते हैं वो माफी नहीं मांगेंगे, और सत्ता पक्ष कह रहा है कि माफी मांगे। जब वो मीडिया पे सब प्रचारित हुआ है तो गलत कैसे होगा? चलिए, अपन तो मान लिए कि सत्ता के लिए बीजेपी उनको दोषारोपण करती है, लेकिन उनकी सारी फुटेज है, सारी चीजें हैं, उस चीज को कैसे नकार सकते हैं? अभी भारत जोड़ो यात्रा भी उन्होंने किया। भारत जोड़ो यात्रा के लिए तो हेमंता जी ने इतना अच्छा बोला, भारत जोड़ना है तो बांग्लादेश की यात्रा करें, पाकिस्तान की यात्रा करें, उनको जोड़ें। जम्मू से और कन्याकुमारी तो वैसे ही जुड़ा हुआ है, उसको क्या जोड़ना है उसमें? बिहार से। बिहार में कहाँ से? बिहार में शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट है। हम भी वहीं से। आप कहाँ से? औरंगाबाद। अरे चलिए, ये संसद की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, आप लोग संसद के बाहर ही बैठे हैं, किसको दोषी मानते हैं? सत्ता पक्ष को दोषी मानते हैं। सत्ता पक्ष का ही है कर्तव्य कि संसद चले। आज तक इतिहास में हमारे आदमी तो कभी नहीं देखने को मिला था कि संसद पक्ष के लोग ठप करे। सिर्फ इसलिए ठप कर रहे हैं कि अडानी का मुद्दा नहीं उठाया जाए, गौन हो जाए, बस इसी के लिए इतना खेला। ये तो अडानी का मसला हुआ, लेकिन कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, विदेश में वैसा क्या बोलना क्या चाहिए? बोले आप बताइएगा, क्या बोले वो विदेश में? क्या बोले? भारत में लोकतंत्र नहीं है, सदन के अंदर उनको बोलने नहीं दिया। स्पीच सुना दीजिए हमको। लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ये बोले हैं। बात को मीडिया भी ठीक है, मीडिया भी जो है ना पारदर्शिता दिखाना चाहिए। मोदी जी जब मुख्य प्रधानमंत्री रहते हुए विदेश में जाके क्या स्पीच दिए, इसको भी आप रखिए पक्ष उनके सामने, तब पता चलेगा पब्लिक को। दोनों पक्ष सोशल मीडिया पे आप लोग दोनों पक्ष देखते होंगे, सदन की बात हो रही है, संसद की बात हो रही है, संसद में राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए? नहीं मांगना चाहिए। नहीं मांगना चाहिए, कुछ ऐसा बात रहेगा तब ना मांगेंगे। हाँ, वो क्या बोले? बोले खतरे में है, इसको हम अपने स्तर पर ही डील करेंगे। संघर्ष का जिस मायने में हो, यहाँ के लोग ही डील करें। सत्ता पक्ष कहते हैं कि भारत में बात करें, भारत में वरुण गांधी को ऑफर था वो नहीं गए बाहर में बोलने,
क्योंकि वो बोले कि अपने मसले पर हम भारत में चर्चा करेंगे, सही हो या गलत। वरुण गांधी के बारे में हम नहीं कह सकते, वरुण गांधी कब का बात है, आज ही की बात है नहीं, आज के बात इसमें नहीं, अपडेट हमारे पास सही नहीं। लेकिन राहुल गांधी को आप करें माफी नहीं मांगनी, नहीं मांगनी। आपका नाम? राजीव रंजन कुमार हुआ, हम भी बिहार से। राजीव जी आपको क्या लगता है? ये जो अभी बात किए हैं बहुत अच्छी बात किए, और लोकतंत्र का मर्यादा तो संसद ही रख सकता है, कोई दूसरा तो नहीं रख सकता। लेकिन जनता सबसे अहम बात है कि चाहे सही कोई भी हो, सदन चलनी चाहिए, सदन चलनी चाहिए, और जनता की बात सुनने के लिए तैयार कौन है? जनता का कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं, कोई नहीं सुन रहा, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नहीं, दोनों नहीं, जनता का कोई नहीं सुन रहा है। जनता का बात कहाँ होता है? जनता को कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम लोग बिहार से आए हैं इलाज करवाने के लिए, देखिए इलाज करवा के जा रहे हैं, तो वहाँ भी जाते हैं, इतना खर्च सरकार कर रही है, चाहे किसी की भी सरकार खर्च होती है, लेकिन वहाँ जनता को देखने वाला तो कोई नहीं होता है। हम जितना भीड़ से आ रहे हैं, तो यहाँ बैठे इंडिया गेट के बाहर, संसद के बाहर, आप लोग यहाँ घूमने के ख्याल से, हम लोग टाइम मिल गया तो कल का टिकट है, तो आज घूम रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि क्या है हम लोग का संसद। अब तो देख रहे हैं नया संसद भी बन रहा है, वो भी देखने जाएंगे कभी? हाँ, इरादा है कि वहाँ भी जाके देख, नया संसद भी देखेंगे, लेकिन सदन की कार्यवाही नहीं चलती, लगातार पांचवें दिन बंद है, हंगामे की वजह से स्थगित हो गई। सरकार को चाहिए कि अगर ठीक है, अगर राहुल गांधी कुछ गलत बोले तो कानूनी प्रक्रिया आप कीजिए, अगर क्षमता है, अगर गलत बोले हम तो आप कीजिए कानूनी प्रक्रिया। ये नहीं सब मुखौटा बना के पांच दिन से कितना, एक दिन का संसद कार्यवाही ठप होने में कितना लॉस है इंडिया को, इसके बारे में तो कोई नहीं बोलेंगे। इसके बारे में वो भी गलती नहीं चलने पर भी विपक्ष को ही गलती है ठप करने, आज तक तो हम नहीं सुने थे कि पक्ष के लोग संसद को ठप करते, राज्यसभा लोकसभा दोनों ठप। नंदकिशोर जी, संसद भवन के सामने बैठे, इंडिया गेट के सामने बैठे हैं, संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच हंगामा चल रहा है, सदन नहीं चल पा रही है, कैसे देखते हो? जनता का पैसा बर्बाद, जनता का पैसा बर्बाद, अभी हम लोग तो उधर गए ही नहीं, हमें पता ही नहीं इसके बारे में, नहीं हम लोग तो अभी तो हम लोग अपने उसमें दुनिया में घूम रहे हैं। हाँ, उधर तो हम गए ही नहीं, हमें पता ही नहीं उसके बारे में, पता ही नहीं, हम उधर गए नहीं हम लोग। लेकिन संसद में चर्चा के लिए होता है, आप लोग का पैसा लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से तो है नहीं, और ना हम पॉलिटिकल में इंटरेस्ट रखते हैं, अपन अपने अपने दुनिया में, उससे तो कोई मतलब नहीं है, उनकी दुनिया अपनी है, अब हमें क्या करना है, ना तो हमें कुछ मिलता है उससे, तो हमें क्या इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो कानून वहीं पास होता है, कानून पास तो होता है, लेकिन अपने लिए क्या काम करता है, कोई काम है अपने लिए? अभी नहीं, अभी तो हम अपने काम पे फोकस कर ले, देन हम देखेंगे उसमें। राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहा है सत्ता पक्ष, राहुल गांधी का बयान सुना है? नहीं, नहीं सुना। अदानी मसले के बारे में सुना है? कुछ नहीं सुना, अभी मैं बोलता हूँ, अभी हम लोगों ने उधर ध्यान ही नहीं दिया है, ध्यान ही नहीं दिया, नहीं अभी अपने काम पे फोकस है। हाँ, दूसरे के काम में भी कोई फोकस नहीं है, वो दूसरे हैं नेता लोग, बिल्कुल अपने काम का नहीं तो क्यों करना।